सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, स्टारविन की एक और नई वीडियो में। सो गाइस, आज की वीडियो हम कर रहे हैं गाड़ी के अंदर शूट। बाहर का टेम्परेचर गाइस बहुत ज़्यादा है ये, सो मैंने सोचा आज गाड़ी के अंदर ही शूट कर लेते हैं। सो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारे फॉग लैम्प्स के इंस्टॉलेशन पे होने वाली है। यस गाइस, सो मैं अपनी होंडा सिटी में फाइनली फॉग लैम्प्स इंस्टॉल करवा रहा हूँ। कौन से करवा रहा हूँ वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ गाइस। सो गाइस, ये फॉग लैम्प्स रहने वाले हैं जो मैंने अभी अमेजन से ही डिलीवर करवाए हैं। ओके, सो गाइस डिस्क्रिप्शन पे मैं इसकी लिंक दे दूंगा। मैं एक बार आपको प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। ये गाइस ग्लोबेक्स का है, ये आप देख सकते हैं ब्रांडिंग। ये ग्लोबेक्स कंपनी का फॉग लैम्प्स है। मेरे बहुत सारे भाइयों की यही रिक्वेस्ट आई थी कि होंडा सिटी में बेस्ट कंपनी अगर हम आफ्टर मार्केट लेते हैं तो कौन से फॉग लैम्प्स इंस्टॉल करवा सकते हैं। सो भाई लोग, ये रहे ग्लोबेक्स के। ओके, मैं एक बार इसकी अनबॉक्सिंग करा देता हूँ गाइस। ओके, तो अनबॉक्सिंग आपकी यहाँ से होनी है गाइस। ये इसका टेप है। ओके, थोड़ा देखिए गाइस, इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है। हर जगह से आपको टेप की स्टीकिंग मिलेगी, जिससे प्रोडक्ट को कुछ भी नाम नहीं है। ओके गाइस, प्रोडक्ट खुल चुका है, देखिए गाइस। ठीक है, ये हमारा पहले फॉग लैम्प है। पैकेजिंग बहुत अच्छी है गाइस इसकी। ओके, तो नेक्स्ट स्टफ में अगर मैं नीचे जाता हूँ, देखिए तो मुझे सेकंड फॉग लैम्प मिलेगा। ओके गाइस, ये जो आप ब्लू कलर की पैकेजिंग देख रहे हो, ओके, ये जो पैकेजिंग है ब्लू कलर की, ये इसका कवर है। अगर जैसे कि आप इसको इंस्टॉल करोगे, सो इफ़ यू वांट, ये आपको निकाल भी सकते हो। अगर आप इसको इंस्टॉल में ही रहना चाहते हो तो इसको इंस्टॉल भी रख सकते हो गाइस। क्वालिटी वाइज जो इसकी बिल्डअप क्वालिटी है गाइस, वो बहुत ही अच्छी है। ओके, ये इतनी जल्दी करके आपको नुकसान नहीं करेगा, ना ही हटेगा। बिल्डअप क्वालिटी वाइज आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। सॉकेट्स आपको दिए हुए हैं, ये आपके फॉग लैम्प्स की जो नीचे वायर्स होंगी गाड़ी में उसमें कनेक्ट हो जाएंगी बहुत ही इजीली। जो इसके अंदर बल्ब दिया गया है गाइस, ये एक नॉर्मल हेलोजन बल्ब है। ओके, सो इसको भी हम चेंज करवाएंगे। अगर फर्स्ट वो में करवाएंगे तो मैं आपको वो भी बता दूंगा, या फिर बाद में अगर करवाएंगे तो वो भी अपडेट हो जाएगी। सो गाइस, ये है हमारा प्रोडक्ट, ये है हमारा सेकेंड प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारे दोनों फॉग लैम्प्स हैं जो कि हम अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करवा रहे हैं। सो गाइस, क्वेश्चन अराइजेस कि ये मैंने फॉग लैम्प्स कितने के लिए हैं, क्या इसकी ड्यूरेबिलिटी है, ये होंडा सिटी में लग सकते हैं नहीं लग सकते, लग सकते हैं तो इसका रिस्पांस कैसा है गाइस। एवरीथिंग विल बी टोल्ड इसका रिस्पॉन्स जब मैं इसको यूज़ करूँगा एक हफ्ते तक। मैं आपको रिस्पॉन्स में भी एक वीडियो बना के बता दूंगा कैसे लगने हैं, कहाँ लगने हैं, वो सब आगे हम वीडियो में देखते हैं गाइस। सो लास्ट में आपको इसका प्राइसिंग सब पता चल जाएगी गाइस, कहाँ से मैंने लिए हैं। सो टिल देन वी स्टार्ट द वीडियो एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। सो द वीडियो स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 गो। ओके गाइस, इट्स टाइम कि आपको दिखाया जाए कि फाइनली हमारी फॉग लैम्प्स में क्या क्या रेडी हो रहा है। ओके, सो जो काम कर रहे हैं वो ये भैया हैं। भैया एक बार अपना नाम बता देना। राजा। तो भैया थोड़ा शर्मा रहे हैं पहली बार कैमरे में आने में। यहाँ पे दूसरा भाई भी अपना काम कर रहा है। भाई आपका नाम क्या है? सलमान। हाँ, सलमान। सलमान भाई काम कर रहे हैं अपने। तो भैया अभी हो क्या रहा है वैसे? अभी आपकी ये फॉग लाइट लग रही है। भाई भी आए हैं, भाई आप भी नाम बता दो पहले एक बार अपना। नाम है आकत प्रजापति। क्या चल रहा है अभी? ये बम्पर में कटिंग कर रहे हैं गाइस फॉग लाइट के लिए। यहाँ पे पहले हो रही है फॉग लाइट्स की कटिंग। इसको हटाई दो। गाड़ी अपनी खुल चुकी है पूरी गाइस। हमने लगवाए थे जो हॉर्न, यहाँ पे दूसरे भाई भी अपनी कटिंग कर रहे हैं। गाइस जैसी कटिंग हो जाती है मैं आपको तब शूट करके दिखाता हूँ। गाइस एक चीज़ आपको दिखानी थी, ये जो भैया यहाँ पर आप कटिंग कर रहे हो, ये कैसे जज करते हैं कि यहाँ से कट होना है कि कहाँ से कट होना है? गाइस ब्लेड निकल रहा है।
ये कैसे जज करते हैं कि कहाँ से कट करना है? इसमें निशान रहता है, गहरा बना हुआ है, दिख रहा है ये कट, ये वाला चादर पे कट, यहाँ से हम जज करते हैं कि यहाँ से कटिंग होनी है। गाइस इन मीनवाइल यहाँ पर वायरिंग चल रही है, ये भैया हमारे यहाँ पर वायरिंग इंस्टॉल कर रहे हैं फॉग लैंप्स की, जो कि यहाँ से होते हुए यहाँ आ जाएगी। गाइस ये जैसे ही कंप्लीट होता है प्रोसेस, मैं आपको यहाँ से इसका आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। गाइस ये हो रहा है वायरिंग, कपलर टू कपलर ही जाएगा गाइस, ये है हमारे फॉग लैंप्स की वायरिंग का कपलर। अरे ये मैन पे लगा, मैन यहाँ पे इसको पहले चेक किया जा रहा है। मीनवाइल हमारा यहाँ पे काम चल ही रहा है, ये हमारा फाइनली कट हो गया है और यहाँ पे फॉग लैंप्स की फिटिंग हो रही है गाइस। यही भैया कर रहे हैं हमारे, और दूसरी साइड हमारे फॉग लैंप्स चेक हो रहे हैं कि वायरिंग इसकी सही है या नहीं गाइस। तो गाइस एक बार इसका रिस्पांस चेक कर लीजिए, यहाँ से भी चेक कर रहे हैं गाइस, ये है प्रॉब्लम्स का रिस्पांस। गाइस अभी इसमें हैलोजन लगा हुआ है तो रिस्पांस कैसा आएगा इसका मैं आपको नाइट मोड इसका भी दिखा दूंगा। गाइस मीनवाइल जब तक काम चल रहा है तो मेरी नज़र में ये वाली गाड़ी आई गाइस, ये मारुति सुजुकी 800 है, ऐसा आप यहाँ देख पा रहे हो गाइस, बहुत ही अच्छी कंडीशन में रखी हुई है गाइस। इसका आप ये देखिए पीछे स्पॉइलर लगा हुआ है, अच्छा गाइस इंटीरियर भी बहुत अच्छा है इसका, जितना हो पा रहा है गाइस मिरर लगे हुए हैं। सो गाइस अगर आपको ये देखिए गाइस गाड़ी बहुत ही अच्छी है गाइस, ऊपर मैट फिनिशिंग दी गई हुई है, एक बार आपको इसका फ्रंट लुक भी दिखा देता हूँ मैं गाइस। गाइस ये गाड़ी का फ्रंट लुक, ये इसमें आफ्टर मार्केट हेडलाइट्स लगी हुई है गाइस। सो इसकी अगर फुल वीडियो आपको चाहिए गाइस तो मेरे को एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो भैया अभी तक क्या क्या हो गया अपनी गाड़ी में काम? भैया पूरी वायरिंग कम्प्लीट हो चुकी है, पार्किंग से अपन ने कनेक्शन कर दी है इसकी, अंत वगैरह सब कुछ लग चुका है, केवल बम्पर उठा के अब कनेक्शन देना है फॉग लाइट पर, बाकी सारा काम कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट है वायरिंग सब। हाँ सारी वायरिंग हो चुकी है गाइस, ये लग चुके हैं हमारे दोनों फॉग लैंप, चढ़ाने के कह रहा हूँ आप, और यहाँ लग रही है हमारी वायरिंग जल्दी पर। तो भैया कितना काम रह गया फॉग लैंप्स में? हो गया बस 10 के पट करना है भाई, ये जो वायर है ये अटैच करना है, ये वाली वायर वायर है तो बम्पर पर ये अटैच हो जाएंगी, ये पार्किंग से चालू हो जाएगी। ओके तो गाइस दिखाते हैं इसका कंप्लीट होता है शॉट, गाइस दिया जा रहा है फाइनल कनेक्शन लुक। फॉग लैंप्स देखिए एक बार, बिल्कुल स्नग फिटेड आया है काम, और गाइस यहाँ पर जो भी काम हो रहा है ये हमारा शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स पर हो रहा है गाइस, स्क्रीनशॉट लेके आप इनको कॉल भी कर सकते हैं, काम यहाँ का बहुत अच्छा है गाइस। सो यहाँ पर हमारे फॉग लैंप्स हो गए हैं, मीनवाइल यहाँ पे कनेक्शन चल रहा है गाइस, ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर कनेक्शन चल रहा है, गाड़ी हमारी रिपोर्ट हो जाएगी वंस द बम्पर हमारी गाड़ी में लग जाएगा गाइस। तो जैसे ही बम्पर लगता है वो मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। ओके गाइस हो चुकी है सारी फिटिंग, अब लग रहा है हमारा फाइनल बम्पर। गाइस जैसा निकाला था वैसा ही पूरा काम हो रहा है, कोई भी फालतू का काम यहाँ पर नहीं हुआ है।
काम अच्छा होता है, सो गाड़ी में काम कराने में भी मज़ा आता है। गाइस रिस्पॉन्स देखिए, ये हमारे फॉग लैंप्स जल चुके हैं, अभी इसमें नॉर्मल हेलोजन बल्ब लगाया गाइस। नेक्स्ट में आपको इसका अपग्रेडेशन ज़रूर देखेगा, दूसरा वाला भी चेक करा देता हूँ। सो गाइस इसका रिस्पॉन्स एक्चुअल पता चलेगा रात में, सो मैं आपको एक बार इसका नाइट मोड भी दिखवा दूंगा। सो गाइस आपने देख ही लिया होगा पूरी फॉग लैंप्स का इंस्टॉलमेंट कैसे हुआ है, एक एक चीज़ मैंने आपको इसमें डिस्क्राइब कर दी है, कुछ भी अगर रह गया हो सो गाइस प्लीज़ उसके लिए थोड़ा सा माफ़ी कर देना। गाइस जो आपने रिस्पॉन्स का मैंने आपको बताया था, नाइट मोड आपको ज़रूर दिखाऊंगा। सो गाइस नाइट मोड हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, सो दिखाते हैं आपको नाइट मोड, उसके बाद करते हैं आगे की बात। ओके गाइज इट्स टाइम कि अब आपको दिखा दिया जाए कि इसका रिस्पॉन्स कैसा है। पहले आप ये देख लीजिए गाइज, फॉग लैंप्स बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट हो चुके हैं, इस साइड का भी हो चुका है गाइज। सो करते हैं फॉग लैंप्स को ऑन। ये देखिए गाइज, ये है इसका रिस्पॉन्स, ये सिर्फ इग्निशन पे है गाइज, एंड ये पार्किंग में है, ये इसके पार्किंग लैंप्स हैं, और यहाँ पर मैंने इसको डायरेक्ट फॉग लैंप से कनेक्ट करवाया है गाइज, क्योंकि अगर इसका मैं अलग से बटन करवाता सो गाइस कभी कभी हम भूल जाते हैं इसको ऑफ़ करना, सो मैंने वो चीज़ रिस्क ना लेते हुए रिस्पॉन्स यहाँ पे आप ये देख लीजिए। दीवार पे भी एक बार आपको रिस्पॉन्स दिखा देता हूँ गाइस, एक बार बंद करियो। सो गाइस ये देखिए, ये नॉर्मल है, अभी दोनों लाइट्स बंद हैं। ओके अब चालू करें एक पे। सो गाइस ये है डिफरेंस। ओके अब इसको मैं आपको दोनों पे दिखा देता हूँ। सो गाइस ये आ गया हमारा फुल बीम, यहाँ रिस्पॉन्स देखिए गाइस, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है गाइस। यहाँ देखिए गाइस जितना जस्टिस हो पा रहा है, क्योंकि अभी बारिश हो रही है। सो एक बार दीवार पे मैं आपको रिस्पॉन्स दिखा देता हूँ, एक बार फुल बंद होगी, फिर से बंद करियो गाइस, ये देखिए बंद। अब एक बार पार्किंग पे करो गाइस, ये पार्किंग पे है फुल, ये फुल पे है गाइस। सो रिस्पॉन्स गाइज बहुत ही अच्छा आया, आई एम रियली हैप्पी विद द रिस्पॉन्स। आगे की जो अपग्रेडेशन होगी गाइज फॉग लैंप्स पे, इसमें हम HID या फिर प्रोजेक्टर कुछ इंस्टॉल ज़रूर करवाएंगे, वो आपको उसकी अपडेट मिल जाएगी। अपडेट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं गाइज। सो गाइज रिस्पॉन्स आपने देख लिया है, इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है वो मैं आपको 1 वीक के बाद इसकी एक अलग से वीडियो शूट करके बता दूंगा गाइज। गाइज आपका भाई जल्दी स्टारविन की टी शर्ट्स लॉन्च करने वाला है, ओके काम उस पर चल रहा है, जल्दी उसका आपको दिख जाएगा। आपको इस चीज़ की अपडेट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो गाइस, इंस्टाग्राम मेरा हैंडल है स्टारविन, एंड जो मेरा पर्सनल अकाउंट है डेट इज़ arora.sahaj96, उस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पे अगर आप हो तो फेसबुक पे हमारी स्टारविन स्क्वाड है, स्टारविन स्क्वाड को आप फॉलो करिए, उस पर आपको सारी अपडेट मिल जाएंगी। मोर ओवर गाइस गाड़ी में और भी अपग्रेडेशन होनी है और बहुत सारी रिस्पॉन्सेज आपको मिलनी है गाइस। गाइज मिथ बहुत चल रहे हैं, अभी से ही मिथ स्टार्ट हो गए हैं गाइज, एंड फिर उस पर भरोसा बिल्कुल मत करिएगा। हम वही दिखा रहे हैं जो एक्चुअल में है गाइज, कुछ भी अलग से नहीं है। सो आई होप आपको ये वीडियो का जो कॉन्सेप्ट था वो अच्छा लगा होगा, कहीं ना कहीं मैं आपको कनेक्ट कर पाया होगा। ऐसी और वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको और आगे क्या अपग्रेडेशन चाहिए। आई होप कि मैं आपके लिए वो सब ला सकूँ। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो तक करते हैं, स्टे ट्यून्ड, एंड I will be back with the next video. So, bye-bye.